नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। कठोपनिषद नचिकेता आख्यान चल रहा है। यमराज नचिकेता को आत्मतत्व के बारे में बता रहे हैं। सर्वे वेदा यद पद मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। इस अंतिम पद में ओम इति एतत् यानी सभी वेद, सभी शास्त्र, सभी जो भी जानकार विद्वान हैं, ओंकार स्वरूप में ब्रह्म को देखते हैं। देखिए, ब्रह्म का तो कोई स्वरूप है नहीं, आत्मा परमात्मा दोनों निराकार हैं, लेकिन ओंकार को हमारे शास्त्रों ने ब्रह्म स्वरूप माना है और उसकी चर्चा यहां पे शुरू की गई है। यहां तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आगे की चर्चा शुरू करते हैं। ये ओंकार जो है, इसकी चर्चा शुरू करते हुए कहते हैं, एतद्देवाक्षरम् ब्रह्म, एतद्देवाक्षरम् परम्, एतद्देवाक्षरम् ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। ये ओंकार जो है, ये एकमात्र ऐसा अक्षर है जो ब्रह्म स्वरूप है। एतद् एव अक्षरम् ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्ममय है, ब्रह्म स्वरूप है। एतद् एव अक्षरम् परम्, यही अक्षर परम है। एतद् एव अक्षरम् ज्ञात्वा, यही ऐसा अक्षर है कि जिसको जान करके, जिसको समझ करके, यो यद इच्छति तस्य तत्, जो जिस चीज की कामना करता है उसको वो चीज प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, ओम का महिमा हम देखते हैं। अगर आप बोलने के समय ओम का उच्चारण योग्य रूप से करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं, तो आपको कितने प्रकार के लाभ हैं, ये परिकल्पना से परे है, इसका हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप संगीत प्रेमी हैं, ओम का अगर आप सही ढंग से उच्चारण करते हैं, तो आपके गले का रियाज ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपको, आप कोई कलाकार हैं, अपने गले को उत्तम बनाना है, तो ओम का उच्चारण आपकी आवाज को और भी उत्तम बनाएगा। ओम बोलने से प्राणायाम अपने आप हो जाता है, ओम बोलने से योग की साधनाएं अपने आप हो जाती हैं। ओम जो है वो किसी भी शब्द, अक्षर, वर्ण या वाक्य के आगे लगा दिया जाए तो वो वाक्य मंत्र स्वरूप हो जाता है। ओम नमः शिवाय, इसमें पंचाक्षर तो नमः शिवाय है, ओम आगे लगने से उसका महत्व बढ़ जाता है। तो ओम के बारे में मैं तो इस छोटे से वीडियो में क्या कहूं, जितना कठोपनिषद में कहा है उसी की चर्चा करूंगा, क्योंकि इसकी सिद्ध जाने हुए, पहचाने हुए लोगों ने जिसको महसूस किया है। आपने YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि बच्चा रो रहा है, उसके सामने ओम का उच्चारण किया जाता है, वो चुप हो जाता है। तो इसका महिमा जो है वो अपार है, दार्शनिक रूप में है और सांसारिक रूप में भी है। इसलिए ये कहा, यो यदि इच्छति तस्य तत्, इससे जो कामना आप करते हैं उन कामनाओं को ये पूर्ण करता है, ऐसा ये ओम का उच्चारण है। आगे कहते हैं, एतद् आलंबनम श्रेष्ठम, एतद् आलंबनम परम, एतद् आलंबनम ग्रात्वा ब्रह्मलोके महीयते। देखिए, पिछले श्लोक में कहा कि व्यक्ति को जो चाहिए वो मिलता है, यानी ये मृत्यु लोक की बात हुई। अब इसमें कहते हैं कि इसका आलंबन ही श्रेष्ठ है, इसका आलंबन ही सबसे महत्वपूर्ण है, परम है। इसका आलंबन प्राप्त करने से ब्रह्म लोके महीयते, ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं,
भले वीडियो में थोड़ा समय बढ़ जाए, लेकिन ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। पहले श्वास अंदर भरिए और ओम जब बोलेंगे तो नाभि से ओंकार का आवाज आना चाहिए। तो श्वास अंदर खींचने के बाद ओ सांसारिक इच्छाओं की भी पूर्ति करने वाला है और ये मोक्ष तत्व को भी प्राप्त करवाने वाला है। इसके बाद यमराज एक मंत्र में इस आत्मा के वैशिष्ट को नचकेता से बताते हुए कहते हैं, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बिल्कुल इसी प्रकार का श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में भी पाया जाता है। जो यहां से वहां पहुंचा है मैं ये कह सकता हूं कि न जायते, ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, न म्रियते वा कदाचित, ये कभी मृत्यु भी नहीं प्राप्त होती, इसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती है। ये विपश्चित नायम कुतश्चिन न बभूव कश्चित, ये स्वयं किसी से जन्म नहीं लेती है और ये आत्मा किसी को जन्म भी नहीं देती है। यानी कोई ये माने कि ये मेरा पुत्र है या कोई ये माने ये मेरा पिता है तो शरीर ही किसी का पिता होता है और शरीर ही किसी का पुत्र होता है। किसी की आत्मा किसी की संतान नहीं हो सकती है या किसी की आत्मा किसी की पिता नहीं हो सकती है। अजो, ये अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, नचिकेता का जो मुख्य प्रश्न था कि शरीर के मरने पे आत्मा का क्या होता है, उसका जवाब यहां पे आता है कि हन्यमाने शरीरे, जब शरीर मृत्यु प्राप्त करता है तो आत्मा की मृत्यु नहीं हुआ करती है। हन्यमाने शरीरे शरीरा एव हन्यते, जब शरीर मरता है तो शरीर ही मरता है, आत्मा की मृत्यु ऐसी स्थिति में नहीं होती। और स्पष्ट करने के लिए समझाते हुए कहते हैं, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थे सुवस्थितम। भाई ये शरीर में नहीं होता है, अर्थात इसका खुद का कोई शारीरिक स्वरूप नहीं है, ये शरीर में नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर के रूप में देखा जाता है। अशरीरम शरीरेषु, ये सभी शरीरधारियों में विद्यमान होता है पर इसका अपना कोई शरीर नहीं होता है। अवस्थेसु अवस्थितम, इसकी अपनी कोई अवस्था नहीं है, फिर भी बाल्यावस्था इसके शरीर की होती है। जिस शरीर में ये होता है वो शरीर युवान भी होता है, वृद्ध भी होता है, तो जिसकी कोई अवस्था नहीं है फिर भी जो विविध अवस्थाओं में देखा जाता है। महांतम विभुम आत्मानम मत्वा, इस महान विभु ईश्वरीय तत्व को आत्मा के रूप में जानने वाला धीरो न सोचती, जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो कभी इसके बारे में सोच नहीं करता है, इसके बारे में चिंता नहीं करता है, इसके बारे में उसको कोई भी बिना कारण के विचार नहीं आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है, अशोच्यानन्व सोच्यस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासुन गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भाई कोई भी व्यक्ति जो है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि ये शरीर के धर्म है। आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही आत्मा की मृत्यु होती है, तो जो सोच करने जैसा नहीं है, हे अर्जुन तू उसका सोच क्यों कर रहा है, ये कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और वही बात यहां पे कही है कि जो धीर होता है वो इस आत्मा को परम तत्व मान करके न सोचती, इसके लिए शोक नहीं करता है, मैं मर जाऊंगा इस चिंता में लोग बहुत सारे गलत काम करते हैं।
अरे मरना क्या है, शरीर नष्ट होगा तो पुनः प्राप्त होगा। आत्मा को संभालिए, आत्मा की चिंता कीजिए, शरीर की चिंता करने जैसी नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस तस्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। भाई ये आत्मा आप सोचें कि आपने बड़े बड़े प्रवचन सुन लिए हैं इससे प्राप्त हो जाएगी, तो भैया दुकान पे मिलने वाली चीज ये नहीं है। और ये जितने लंबे लंबे लोग भाग लोगों को बिठा बिठा के प्रवचन करते हैं ना, वो मात्र धर्म अर्थ और काम की ही संतुष्टि कर सकते हैं, मोक्ष की संतुष्टि के लिए कोई भी या मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई उपदेश नहीं हो सकता है। यहां बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस आत्मा का ज्ञान प्रवचन द्वारा नहीं हो सकता है, इस आत्मा का साक्षात्कार प्रवचन द्वारा संभव नहीं है। न मेधया, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आपके लिए लोगबाग आपकी मिसाल दिया करते हैं, लेकिन फिर भी आप आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे ये मानना व्यर्थ है। न बहुना श्रुते ने, आप बहुत समझदार हैं, आपने बहुत कुछ सुना है, आप बहुत ज्ञानवान हैं, लेकिन वो सारे ज्ञान जो हैं, जो इससे पहले कहा था ना कि सच्चा ज्ञानी, सच्चे ज्ञानी अगर हैं तो ठीक है, लेकिन बाकी आप इस संसार के हिसाब से बहुत श्रेष्ठ सक्षम सफल व्यक्ति हैं, तो भी आत्मज्ञान आपको हो जाए या आत्मा का साक्षात्कार हो जाए ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। यमे वैस वृणुते, ये आत्मा स्वयं जिसका वर्ण करती है, अर्थात ये ईश्वरीय ज्ञान स्वयं जब ये चाहता है कि वो किसी को प्राप्त हो जाए तो ही वो इस आत्मा के साक्षात्कार और ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, वही इस आत्म तत्व का वर्ण कर सकता है जिसको स्वयं आत्मा ने वर्ण किया हो। हिंदी में बड़ा ही सुंदर कहा गया है, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। भाई वही आपको जान सकता है जिसको आप स्वयं जना दे यानी बता दे, यानी ईश्वर जिसको स्वयं साक्षात्कार करवाए वही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। बाकी जितने ये बड़े बड़े प्रवचन के पांडाल लगा करके बैठा करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानें चलाते हैं, इन्हें इससे बिल्कुल सरोकार नहीं है, क्योंकि यहां स्पष्ट कहा है कि जानत तुम ही हो जाए, आपको जानने के बाद तो व्यक्ति आपका ही स्वरूप हो जाता है। जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है वो आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। बहुत अच्छा कहा है, गूंगे को गुड़ स्वाद, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है ना, वो जब गुड़ खाए तो बता नहीं सकता कि मीठा है या कैसा है। तो जो इस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वो किसी और से इस बात का वर्णन करने के लिए बाकी ही नहीं रहता है, या वो किसी के सामने इसका वर्णन कर ही नहीं सकता है, उसकी स्वयं की स्थिति ऐसी हो जाती है। तो ये परमात्म तत्व जो है वो हर किसी के बस का काम नहीं है इसको प्राप्त करना। जो आत्मा जिसका वर्ण करती है परमात्म तत्व, उसी को प्राप्त होता है। ना वीरणो दुश्चरिता नाम अशांतो ना समाहिता, ना अशांत मनुष्यो वापी प्रज्ञानी नैव माप्नुयात। देखिए बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि भाई कोई बड़ा वीर योद्धा हो, बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हो, ऊपर बात की कि प्रवचन वाला हो, फिर बात की कि बुद्धिमान हो, फिर बात की कि बहुत बड़ा विद्वान हो जिसने श्रुति, यहां कह रहे हैं बहुत बड़ा वीर हो, दुश्चरिता ना शांतो ना समाहिता, चाहे जैसे कर्म करने वाला हो वो इस आत्म तत्व को समझ ही नहीं सकता है। यानी संसार की जितनी श्रेष्ठताएं हैं वो श्रेष्ठताएं आपको आत्मा के पास तक नहीं ले जा सकती हैं। यही बात
इससे पहले सच्चे ज्ञान के संदर्भ में भी यही बातें कही गई थी कि सांसारिक जो गुण धर्म और श्रेष्ठ समृद्धि वगैरह हैं उस नाशवान से इस शाश्वत तत्व को आप प्राप्त नहीं कर सकते। वही बात यहां कही जा रही है कि व्यक्ति जो प्रवचन है, जो बुद्धि है, जो तुम्हारा विद्वत्ता है, जो तुम्हारे पास शक्ति है, जो तुम्हारे पास तरह तरह के कार्य करने की, यहां तो सीधा कहा है दुश्चरिता, दुश्चारित्र से ना समाहिता, इसको समझा नहीं जा सकता है। ना अशांत मनुष्योवापी, और जिसका मन शांत नहीं है वो भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। इसको सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञानेन आपनुयात एनम, प्रज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा। अब ये प्रकृष्ट ज्ञान क्या है? ज्ञान तो हम सांसारिक ज्ञान को बोलने लग गए, हम बुद्धि तो संसार के कार्यों में जो श्रेष्ठ है उसको हम बुद्धिमान कहने लग गए। तो जो प्रकृष्ट ज्ञान है, जो सांसारिक रीत से विरुद्धी ज्ञान माना जाता है, इस प्रकार का ज्ञान जिसके पास है वही इस आत्म तत्व को जान सकता है, वही इस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। देखिए आत्मा के संदर्भ में अगर हम स्पष्टतया इस चीज को जानना चाहें, जैसे यहां बातें कही गई हैं, वहां ये बात बड़ी ही स्पष्ट है कि व्यक्ति आत्म तत्व का साक्षात्कार संसार के किसी भी, चाहे वो बड़ा दानी बन जाए, चाहे वो बड़ा धार्मिक बन जाए, चाहे वो बहुत बड़ा उपदेशक बन जाए, चाहे वो बहुत बड़ा श्रोता बन जाए, इन किन्हीं चीजों से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यस्य ब्रह्म क्षत्रम च उभे भवत ओदना। अरे भाई, ब्राह्मण और क्षत्रिय अथवा ब्रह्मत्व और क्षत्रियत्व, ब्रह्मत्व यानी विद्वत्ता का पराकाष्ठा, क्षत्रियत्व यानी पराक्रम की पराकाष्ठा, जिसके ओदन जिसके चावल जैसे हो जाते हैं, मृत्यु यस्योप सेचनम का इच्छा वेद यत्र सा। और मृत्यु जो है वो इसका उपसेचन मसाला बन जाती है। तो इसको कौन समझ सकता है, इसको कौन जान सकता है? सीधे शब्दों में कहें तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि ओम जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन ये जो आत्मा है ये अजर अमर निर्विकार शाश्वत तत्व है। अब इस आत्मा को जान कौन सकते हैं? इसके लिए कहा तो प्रवचन से इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है, बुद्धि से इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति अगर ये चाहे कि उसने बहुत कुछ सुन रखा है, वो बहुत बड़ा विद्वान है, व्यक्ति अगर ये चाहे कि बहुत बड़ा शक्तिशाली है, व्यक्ति कुछ भी समझे, उससे इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना संभव नहीं है। अंत में यहां तक कहा आकर के कि ब्रह्म और क्षत्रम यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय अथवा ब्रह्म तेज और क्षत्र तेज जो है, जो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं संसार में, वो इसके ओदना, वो इसके चावल हो गए और मृत्यु उसका मसाला हो जाती है। इस तरीके से बड़े बड़े इस संसार की गोल गोल चक्कर में घूमते रहते हैं, लेकिन इस ब्रह्म तत्व को नहीं जान पाते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे कि इस ब्रह्म तत्व को कैसे जाना जा सकता है, क्योंकि यहां तो यमराज ने स्पष्ट शब्दों में नचिकेता से कह दिया है कि ब्रह्म तत्व हर किसी के बस का काम नहीं है, हर कोई इसको जान नहीं सकता है। हर कोई नहीं, जो स्वयं को इस संसार में सर्वश्रेष्ठ विद्वान ज्ञानी वक्ता सब कुछ मानते हो, वो भी इस आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आत्म तत्व जो है, जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी ही सुंदर पंक्ति है, सोई जान नहीं जेहि देहु जनाई और जानत तुम ही हो जाई। जो इसको समझ लेता है वो तो इसी का स्वरूप बन जाता है। यानी एक बार आत्मा जब परमात्मा को जान लेती है तो परमात्मा स्वरूप हो जाती है। धन्यवाद, सुनते रहिए। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सुन रहे हैं कठोपनिषद।